ले जी दादी की फरमाइश पूरी की है, फ्रिज ते पकाऊंगा फ्रिज ते। ये देखें जी भाभी जो है ना वो बना रहे हैं, इसी तरह ही चली जाएगी। वाह दीवा मटर देखे हो। दुआ और मैं आ गए चक्की पर आटा ले। हाँ जी धो के ले आई हो, साफ धोए रे का सारा कूड़े सारे का सारा। पीछे देखो पीछे दिखाओ करीम बीबी के। दुआ के काम चेक। उधर से दिखाता हूँ। ओ गाली गलूटी ये क्या कर रही हो, सारे बर्तन शर्तन खिला रहे हुए हैं आपने हैं, ये क्या कर दिया सारे देखे सौंफ लाची वाले बर्तन भी खिटार दिए हैं, क्या कर रही हो। ये अभी अभी जी अबू आए थे, उन्होंने कहा था कि कहवा बना के दे, वो बनाया है तो दुआ आ गई है। क्या कर दी बेटी, जग के साथ ना ढोलका बजा रही है, इस वजह से जो है ना वो बड़ी खुश हो रही है। और इधर जो है ना चारपाई का जो ले आए थे न्यू, वो अभी अबू बना रहे हैं। ये जो एक पट्टी है ना नीचे, ये जो लगा रहे हैं ये दादी से ली थी, अब सोच रहा हूँ कि पूरी हो जाए कि नहीं। दादी कहती है खटड़े की तो पूरी हो जाएगी, ये बड़ी खाट आप ले आए हो तो मेरा क्या कसूर है, मैं थोड़ी पूरी करके दे दी है। अभी सोच रहे हैं क्या करें, अबू बना रहे हैं, वो वाला भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक ही पट्टी बनती है जहाँ तक भी बने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, आपकी दुआओं से अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे सलामत रखे हमेशा मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। वेलकम बैक न्यू व्लॉग। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में आपने देखा था, आप देखें दादी की फरमाइश पूरी होती है या नहीं। फिलहाल तो ये काम कर रहे हैं आज अबू, इसलिए जल्दी आए गए थे कि चारपाई जो है ना बनानी थी। सूरज बिल्कुल लग गया है, बारिश हल्की हल्की कणियां कणियां आ रही थी। अभी जो है ये अब पूरी होगी या नहीं देखते हैं, काट तो रहे हैं कोशिश भी पूरी हो जाए, अल्लाह खैर करे। दुआ भेड़े चराने जा रही है। ओ बिल्ली ओ बिल्ली किधर गई, क्या है ये मुगरी आई बती मुगरी, आह उधर देख रही है उधर क्या था और इधर क्या है ये वाली। चार पाई जी तैयार होने वाली है माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त माहौल है। अब दुआ कर रहे हैं ये पूरा हो जाए, वाण पट्टी से बोलते हैं हम, तो वाण कहते हैं। कैसे हो, वालेकुम अस्सलाम, वाओ जी क्या हाल है, तबीयत कैसी है, ठीक है, क्या ले आए हो, सब्जी ले आए हो, दादी ने तो कहा था चावल पकाओ आप सब्जी ले आए हो, क्या आ गए बीबी चावल। हाँ ये देखें जी चावल आ गए हैं, क्या बात है, चावल सवेरे चावल पकते पहन, अब भी चावल पकेंगे, वाह जी वाह, चलो ले चलो अपनी अम्मी को दो। वो जो है ना वो दादी की अब पूरी हो गई है, दादी जीत गई बाबा, मुबारक गई फरमाइश दादी की पूरी, माशाल्लाह मुबारक। हाँ, मैं बता रही थी कि दादी जीत जाएगी, आप हार जाओ कोई बात नहीं है, दादी तो फिर दादी है, जीते जा हारे। हाँ ये बुजुर्ग की तो दुआ होती है ना, दुआ चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं के सहारे बहुत कुछ मिलता है, तकदीर बदल जाती है। चावल खोसे
तबीयत सही नहीं है ना दादी की। अल्लाह खैर करे। अब सर्दियाँ आ गया ना इसलिए। हाँ बिल्कुल। ओ माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, ये कौन आंदी पी है? दिखा रही है ये देखो। क्या दिखे दी पी? चूड़ियाँ। क्या दिखे दी पी? ये लो आपका सामान। पापा के हाँ, सारे के सोने कपड़े हैं माशाल्लाह। क्या क्या हो गया? देख लिए। ये देखो वंगा। ओ हाय क्या है? वह बूथी कैसे बना लेती है? बूथी कैसे बना लेती हो? अबू किसका है? अबू अबू कानी। अबू कानी क्या करे ना पे आ रही है। खटड़ा बनाऊं? खटड़ा बना खटड़ा। आ आ ओहो ओहो। ओ नवे खटड़े ते बह गई दुआ। नवे खटड़े ते खुश हो रही है दुआ। नवे खटड़े ते बह गई खुश थी नी पई। नवे खटड़े ते बहते पकड़ लिया है मुझे तो। हाँ खींच लो खींच लो खींच लो। पकड़ रही है खुद। गंडा लग सी दादी। हुन झुमरा मार झुमरा। ओए होए ओए होए देख तेरी फरमाइश तो पूरी थी गई ना। हुन झुमर मार। झुमर तो मरे नहीं बेटा दिया क्या करा। जोर दे झुमर बनी दे बंदा उठे ते ना रोज दी झुमर बनी दे। चंगी बटी फेरी मार झुमर शेरे सुने तू झुमर शुमर दिखाया कर। ओ परे दिए। सिद्रा सब्जी वगैरह काट रही है और जी अभी आटा लेने जाना है। ये जो है ना मटर आलू ये इसमें डाल देना। सही है सही है। कैसे चावल पक जाएंगे फिर? हमें तो गोश्त ले आ दे कट्टा ले आ दे बकरा ले आ दे हम तो डाल देंगे। हाँ जब पैसे आएंगे तो बटरा भी ले आ दूंगा गोश्त भी ले आ दूंगा। कैसे है ना? हाँ सही है। चलो फिर मैं जो है ना कहीं जा रहा हूँ। ठीक है आटा लेने जा रहा हूँ। ठीक है आटा चक्की से लेना है। सुबह गंदम डाल के आया था तो उसको कहा था कि मैं आटा लेने आऊँगा बदखों की और अब्बू के लिए भी। अब्बू चावल नहीं खाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है तबीयत ठीक है। दादी को लेने आए थे। दादी कह रही है आज मुझे चावल खवाओ। दावत बन रही है मैं वापस जा रहा हूँ। आप भी दावत खा लो। बात खा हमारी कोई फर्क की बात तो नहीं है। वो उसने कहा लिया था हमने कहा। हाँ ये बात सही है। चलो आपकी मर्जी अल्लाह खैर करे। अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की हो रही है ना। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। ज्यादा होगी तो ऊपर मौसम साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसी हल्की हल्की हुई तो शक नहीं आज सारा दिन देगा है सूरज। सूरज सारा दिन नहीं निकला और अभी जो है ना हल्की हल्की बारिश हो रही है। अल्लाह खैर करे माशाल्लाह हो गई चार पाई मुकम्मल। मुकम्मल हो गई तुम्हारी। थोड़ा सा बच गया है। वाह बच गया है। अब चेक डाल रहे हैं। इसे डालो इसके साथ या और इसके साथ चेक जरी बनती है ये बना लो। इसको सेका कर दो। हाँ फिर उसको देखेंगे। उसका भी अम्मी बना रही है तो फिर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम। मटर छिल लिए आलू छिल लिए अभी जो है ना सारा धूल मचा के बैठी हो। हाँ हूँ क्या है? चावल आया खड़ा वेदी आई जा चावल खोसे चावल उठाई चार जा पानी चावल
ये खर्चा कराई बैठिया मलाओडे भाई पवा उडे ही चावल चढ़दे पैन। हां वाह इथु खादी वाज मला पुजाओ सवला उथु खावी चा जा तेरी एक ना लबदी हुन डूडू लब जा पैन। क्या है तेरी किस्मत? तेरी किस्मत बजा है या जा है? बजा 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 जाओ आता भाजी से रहने थियो मैं क्या थोड़ा तो था जीत में चटो और मैं तू बेंदी अच्छा क्या क्या ऐसा मुर्गी वाले चावल पके ने पियो काहे ना। हां लेनी बीमार थे खई कौड़े दी बुलाओ कुठे ने आओ को कुठे ने था कौन नो सही जगह चावल पके। अच्छा चले जी ठीक है अल्लाह खैर करे। ओ ओ ओ ओ किडे बेदी टोपी लहा ली है आप झगड़ा कर रही है दुआ दुआ मी अंदा पे बारिश आ रही है बारिश। वालेकुम सलाम ये देखें जी बारिश भी आ रही है और मौसम बड़ा अजीब हो गया है। दुआ और मैं आ गए चक्की पर आटा लेने बैठ जाओ ढह पोसे क्या आराम आराम करके नहीं बैठना आता है सारा कूड़े सारे का सारा कूड़े क्या है किधे आवे किधे आवे वंग पवावे वाह आटा लेके घर पहुंच चुके हैं सिद्रा आटा तो उठाए आहा बर्तन धोए नहीं बैठी हो वाह जी वाह क्या कहा मुझसे नहीं उठाया जाता फिर बैग बाइक तो झल लेंगी या दुआ को तो उठा लेंगी कोई एक काम तो करना पड़ेगा ना ऐसे जब मैं बाइक खड़ी करूं या दुआ को अभी झलना खुद को मैं खुद को झला हुआ है आप बस आटा उठाएं पता लग जाता है मुश्किल है इधर ही गिर गया अब क्या करोगे नहीं उठाया जाता मुझसे दो लगाओ हाँ नहीं उठाया जा रहा नहीं खड़ो पीछे हो जाओ मुझे खुद को ही उठाना पड़ेगा द्वार को छोड़ दो घर किधर छोड़ दूँ वो दादी के साथ दुआ को बिठा दिया है वो देखें दुआ का ख्याल करना करें बीबी अम्मी खटड़े वगैरह सीधे कर रही है बारिश हो रही है वो समीर की ये देखे नीचे ना ये देखे समझ नहीं आ रही आज क्या हो रहा है आपको दो हाथ से नहीं उठाया गया ये लो मैं एक हाथ से उठा लेता हूँ ये देखे बस आ गया आटा इतनी सी बात है किस बात की टेंशन है मैंने आपको पहले भी कहा है कि क्या कहा ऐसे वजन उठाते हुए फूत ना मारो फूत मार अब बंदा क्या उठाए ना फूत जमाते हैं आप मैं इतनी उठा लेता हूँ ये फूत होती है तो और क्या होती है फूत इसको कहते हैं अच्छा मुझे आज पता चला है आपने बताया इसलिए अभी से भी पूछ रहे ये फूत मारना होता है नहीं ऐसा तो होता है क्या कहते हैं ये इतनी सी चीज है इसे नहीं उठाई जाती चलो ये देखो मैं उठा के जा रहा हूँ ये फूत ही तो होती है चलो आप चावल बनाओ मेरी फूत है तो फूत ही सही बस बारिश का सबसे ज्यादा पत्ता जो है ना रोड पर चलता है ये देखें कितनी बारिश लग रही है साइडों पर जो है ना बिल्कुल खुश्क माहौल होता है और रोड पक्की होती है ना वहाँ पर पानी जज्म नहीं होता तो बारिश का पता चलता है कि कितनी बारिश हुई है अल्लाह खैर करे। और ये देखें फर्श पर भी काफी सारा माहौल गीला गीला हो गया है मिया तले देखो मिया गए हाँ
भाई हाय वाह। दुआ फातिमा को उठा के गई थी मुंडे पे, ओ आपरी बरसीन देख ले और अभी बोल रही है मुंडे ते चा के दिलो जुमर मारो डिंडिंड करा पापा ए चलो तू ही मैं तो प्यारे दुकान तक पहुंचावे मैं क्या हूं ए घर वाला। अच्छा तू क्या घर वाला? मैं घर वाला हूं। घूम चला जाए तो बस इन साल गई थी ते मेथरा ते धान है ते वो जमते पर सारी चीजें उग रही हैं। माशाल्लाह हाँ जूती पवाता हूँ। सबको चप्पलें पहनाते हैं क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश ढोलका बज रहा है अम्मी के सर पे डिन डिन कड़न कड़न। ध्यान से दा के धोओ। वेलकम बैक किचन। और इधर भाभी चावल साफ कर रही है ये, और सिद्रा ने इधर मसाले ऐड कर दिए। माशाल्लाह घी जल रहा था। अच्छा घी जल रहा था। आप कौन सा मेरी वेट कर रही होगी जो मैंने कहा आप मेरी वेट कर रही थी क्या? अच्छा मैं पहुंच गया टाइम पर, ये देखे डाल नहीं दिया। चलो आ जाओ आपको जूती इधर हो जाओ आपको जूती पहनाता हूँ। सारे को जूती पवाऊंगा। आपने पहनी हुई है? ओह वेरी गुड। जर्सियां भी पाओ। चलो शाबाश। इसकी जर्सी की जिप कहाँ है? मुझे दो मैं बनाता हूँ। चलो ठीक। कौन सी दराज? ये टेबल वाली दराज नहीं है। हाँ चलो ठीक है। इनकी जर्सी कहाँ है? चलो जर्सियाँ पहनो। शाबाश पाला मेरी हो रहा है। दुआ खराब कर दी। दुआ ने खराब कर दी। वो चार पाई पर रखी थी ना नीचे डाल के सारी खराब। अच्छा ठीक है मेरी। अच्छा चलो ठीक है ये ठीक है। दुआ ने पेशाब करके खराब कर दिए। ये कौन सा झूठ है? सही बात। हाँ जी धो के ले आई हो? साफ धोए हैं। हाँ जी। 0 मीटर? हाँ जी। वाह मरियम क्या बात है। धो अपनी भाभी को। हाँ चलो आपके लिए जर्सियां ढूंढे फिर पवाएं। चलो शाबाश। वो प्यार सारे जल गए। अभी इसमें धनिया डाल दो फिर लहसुन। थक गई हो? पहले था दुआ फिर आलू फिर अब थक गई हो? चलो आप रेस्ट कर लो। पापा ये देखो ये कहाँ से ले आए हो रेवड़ियाँ? रख दो आ जाओ जर्सियाँ पवाएं। ओ पात्र खा रही है। आ करो गंदी रही है। हाँ पट पट के खा रही है। मेरी बद के भी आ गई है। सबको जर्सी पवा दी। वो देखो उसके कान पकड़ रही है। दुआ ओ दुआ बलूरी छोड़ दो उसके कान। अब उसकी बारी है। सब क्या टोपे ला रहे। चलो इधर शेबू को खड़े हो जाओ। हाँ इधर इधर खड़े हो जाओ। हाँ शेबू की जर्सी देखें जी। ये चूहा बैठा है, ये शेबू बैठा है, और ये शेबू के ऊपर कान चूहे के बैठे हैं। वाह जी वाह बड़े सोने लग रहे हो। चलो अब आपकी बारी। अब करीम बीबी की बारी देखें। पीछे देखो, पीछे। और करीम बीबी के पीछे देखो, पीछे दिखाओ। करीम बीबी के पीछे चूहा बैठा है, ये देखे लत्तों वाला। चलो अब अवेश की बारी। अवेश ये देखो ये चूहा बैठा है और ये कान बैठे हैं चूहे के। चूचा है चूचा। क्या बैठा है? ये दुआ के भालू। दुआ के भालू बैठे हैं। ओ बतख बतख ओ आगे बतख। चलें जी सबको जर्सियां पहना दी हैं। और हाँ अभी वो लाइट जलाते हैं क्योंकि अंधेरा है और बारिश मोटी मोटी आ रही है। दोनों लाइटें जल गई, वो वाली भी और वो वाली भी। अब देखें कैसा लग रहा है। और ये चेक करें बारिश आ रही है। ये देखें मियां दा पे। हाँ बारिश आ रही है। ये देखे हाँ तेरे पीछे लगे आंदे। लाइट चली गई है जी। और सिद्रा ने जो है ना इधर आलू मटर भी डाल दिए हैं। देखते हैं क्या सूरत हाल है आजकल। जैसे भी मौसम इस तरह के थोड़ी सी धुंध या बारिश होगी तो लाइट इसी तरह ही चली जाएगी। हाँ
चली गई है, चली जाएगी क्या? हाँ वैसे बाद में मैं कह रहा हूँ, मैं क्या इस तरह ही करेगी, चली जाया करेगी ना, वैसी बड़ी लाइटें लगानी पड़ेगी, इधर भी बैटरी वाली तार लेके आनी पड़ेगी और लाइटें लगानी पड़ेगी। चलो अल्लाह खैर करे, देखते हैं। पानी बॉयल हो गया है जी और कुक मास्टर चेंज हो गया, क्योंकि वो सिद्रा जो है दुआ को सुनाने के लिए उसको आ रही थी नींद, तो मैंने सोचा चावल में डाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए मेरे साथ, चावल डालें, पकाएं, खाएं, मिल बैठ के। कैसे जी। चावल खाने का आज बड़ा दिल कर रहा है आपको जी। वाह जी वाह, मटर देखें ऊपर आ रहे हैं। हाँ जी, मटर तो आएंगे ऊपर, ये देखो भाई साहब अभी चावल डाल रहे हैं। भाई साहब को कुक बना दिया है सिर्फ कितने मिनट के लिए। शादी का यही तो फायदा होता है, अकेला बंदा होता है तो किसी ना किसी को कह देता है, लेकिन शादी के बाद जो होता है ना, बीवी के अलावा किसी को नहीं कह सकता। हाँ जी। बीवी जब नहीं पकाती तो खुद पकाना पड़ते है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ चेक करें माशाल्लाह, बाकी थोड़े से रह गए, ये मैं बहुत पानी निकाल लूं। डाल लिए? हाँ जी डाल लिए। आपने क्या सोचा, नहीं डालेंगे? नहीं, मैंने कहा आपको तो बनाने नहीं आते। हाँ खैर, वाह नहीं बनाने आते भाई साहब को? नहीं ओ ये मुझे नहीं पता बनाने आते हैं कि नहीं। ये इतनी बड़ी कुक है अच्छा वो मैंने कहा कुक तो हम उसको कहें। आप देखें सारे चावल डाल दिए माशाल्लाह, अब इसमें चिमचा लगाते हैं, लुक चेक करें। ओए होए होए होए, बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़े बड़े आलू, बड़े बड़े मटर। अब इसको ढक्कन दे दें। पूरा नहीं देना, फिर थोड़ा। ये लो बस, ओके हो गया जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चावल जो है तैयार होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी देर है और ऐसे लग रहे हैं यम्मी टेस्टी, बड़े मजेदार। ओए होए होए, इतना धनिया क्यों डाल रही हो? सारे सावे चावल करने हैं क्या? सावे चावल, मीठे चावल सावे देखे हैं, अभी चार है चावल सावे देखे, खाएं देखने वाले देखेंगे, हम तो खाएंगे वैसे अगर मिर्चे वाले चावल में हरा रंग डाल दिया जाए तो कैसे लगेंगे वो फिर लगेंगे सावे चारे चावल नहीं, उसमें कलर में जायका होता है मीठे का नहीं होता मीठे तो ऐसे वो कहाँ से आएगा कलर कलर तो होगा लेकिन वो तो मीठा थोड़ी होगा, वो तो फीका होता है कलर। कलर बस कलर होता है, मीठा नहीं होता। थोड़ा सा चेक कराएंगे चेक करवाएंगे हाँ, चेक करवा। चलो इसको अभी दम दरूद लगाओ, नीचे लहाओ, थोड़ा सा ऐसे गुलाब के पिला देना। हाँ पूरा मंथ ना ग्रीन थूक निकलेगी क्या निकलेगी? ग्रीन थूक निकलेगी। अच्छा ग्रीन हो जाएगी बस, और क्या होगा? ग्रीन हो जाएगी। हाँ आपका मैदा, गुड़दे, शुड़दे, दिल सार कोई सावा हो जाएगा। कोई बात नहीं सावा हो जाएगा तो हो जाएंगे। परेशान हो जाएंगे वो कहेंगे पता नहीं है किस तरह का, पहली बार देखा है सावा, सारा सिस्टम ही सावा हुआ पड़ा है। ये जी दम लग गया, दम दरूद हो गया। चलो सही है। इधर रोटी इधर पकानी है क्या? रोटी उधर, बारिश हो रही है ना बाहर। चलो सही है, बदके है मेरी कब से आवाजें लगा रही हैं, रोटी दो पका लो फिर जल्दी जल्दी इधर। ये देखें जी भाभी जो है ना वो बना रही है इधर रोटी तवे पर। चलो चलो चावल पक गए, आ रहे हैं। चलो 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 वो है, चलो 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 हम आ रहे हैं लेके, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो शाबाश, चलो भागते चलो भागते चलो।
भागते चलो हम आ रहे हैं। इधर भी सेक रही हो और इधर जो है ना अबू के लिए रोटी के लिए बना रही है सितरा सालन। हाँ। सही है, सालन बना रही हूँ और अबू जो है ना रोटी खाएंगे। चावल नहीं खाते ना? हाँ वो आज कह रहे थे मेरे ना इधर अंदर से मैदा और जैसे हो गए ना अंदर वाला ये सब दुखता है, दर्द है। फाइनली जी दादी की फरमाइश पूरी की है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है दादी की फरमाइश पूरी कर ली। दादी जीत गई हम हार गए। हाँ दादी जीत गई हम हार गए। दादी तो दादी होती है, दादी तो दादी होती है, आपकी हो मेरी हो चाहे किसी की भी हो, वैसे है मेरी भी दादी है आपकी भी दादी है। ये देखे माशाल्लाह लुक चेक करे, मटर आलू वाले चावल, चार चार आलू माशाल्लाह, करीम बीबी के चार आलू, एक दो तीन मटर, छः सात खाओ माशाल्लाह ठे गए। और ये सो के उठी है इसलिए, सो रही थी इसलिए इधर सोई हुई थी। हाँ इस वजह से ना, चलो अल्लाह खैर करे, नाराज है मरीज जाएगी मना लेंगे। हाँ दादी भी को भी उबासियाँ आ रही हैं, देखो कोशिश करते हैं मनाने की। चावल पक्के नहीं, चावल किवें चेक कर मजे दें जा दादी कहती है फ्रिज में कैसे चावल पकेंगे, हंसती है फिर इसलिए। चलो जी माशाल्लाह खाना खाते हैं हम भी, किसी को खाना है तो आ जाए हमारे साथ बैठ के मिल बैठ के खाते हैं। रोटी खाने गए रोटी। ओके हो गया जी, इंशाल्लाह हमारा व्लॉग भी पूरा हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में। आपने बताना है कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।